लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 11 अगस्त की देखते हैं टॉप 10 न्यूज। अमेरिकी हमले में हलाक अलकायदा रहनुमा अल जवाहिरी की लाश गायब। अफगानिस्तान में तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने की तस्दीक, अल जवाहिरी की हलाकत के मामले की तहकीकात जारी। बताया तहरीक अल जवाहिरी की लाश तक पहुंचने में नाकाम और तालिबान को उन जगह पर उनकी मौजूदगी का नहीं था इल्म। तेज़ रफ्तार चोरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, अमेरिका के न्यूयॉर्क में चोरों ने 45 सेकंड में ज्वेलरी की दुकान लूट ली। जेवरात की दुकान पर डकैती के दौरान $2 मिलियन से ज़ायद के जेवरात चुरा कर हो गए फरार। पुलिस ने चोरों की गिरफ्तारी में मदद पर $3,500 के इनाम का किया ऐलान। गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमात को दहली कर दिया मुंतकिल। जान के खतरे के पेश नज़र तमाम मुकदमात को दहली किया गया मुंतकिल। साथ ही केस की तफ्तीश होने तक गिरफ्तार ना करने रियासतों को सुप्रीम कोर्ट ने दी हिदायत। अपने आशिक से मिलने छिप कर भारत आना एक पाकिस्तानी नौजवान लड़की को पड़ गया महंगा। सीतामढ़ी की हिंद नेपाल सरहद से पाकिस्तानी लड़की कालिदा नूर और उसके दो साथियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। बगैर इजाज़त भारतीय सरहद में दाखिल होने पर भेज दिया गया जेल। मजीद तहकीकात जारी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 से 8 अगस्त तक महाराष्ट्र में स्टील टेक्सटाइल ताजिर और रियल स्टेट डेवलपर के इहाते पर मारा छापा। हुकाम ने 390 करोड़ रुपए के गैर कानूनी असासों को किया जब्त, जिसमें 58 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी और 32 किलो सोना भी शामिल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मोदी हुकूमत पर की जमकर तनकीद। कहा अगर 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे मुआफ़ ना किए जाते तो आज मुल्क खसारे की ऐसी हालात में ना होता। दूध दही और छाछ पर GST लगा दिया और अपने बड़े बड़े अमीर दोस्तों के टैक्स कर दिए मुआफ़। भारत की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार के मौजू पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 12 अगस्त को हैदराबाद के शेखपेट में एक जलसायाम, जबकि 13 अगस्त को दारुसलाम में मुशायरा किया जाएगा मनाक़िद। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा जंग आज़ादी में मुसलमानों की नाकाबिल फरामोश जिद्दोजहद को मिटाने की जा रही कोशिश। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से योम आज़ादी तकारीब के सिलसिले में जारी करदा सरकारी इश्तहार में मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी नज़रअंदाज। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने सीएम KCR पर की सख्त तनकीद। इल्ज़ाम लगाते हुए कहा KCR मुस्लिम तबके को पसंद नहीं करते। जश्न आज़ादी के मौके पर हैदराबाद पुलिस के ज़ेर एहतमाम 5K रन का इनेकाद। कमांड कंट्रोल सेंटर से शुरू इस रन में होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, वजीर श्रीनिवास यादव, CS सोमेश कुमार, पुलिस कमिश्नर CV आनंद और GHMC कमिश्नर ने लिया हिस्सा। महमूद अली ने कहा हम सुनहरे तेलंगाना के हुसूल की सिमत उठा रहे हैं कदम। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में PG सेमेस्टर इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए स्टूडेंट्स ने किया एहतजाज। इस माह की 28 तारीख को होने वाले इन एग्ज़ाम्स को मुलतवी करने का स्टूडेंट्स ने मुतालबा कर नारेबाजी की। किताबों की अदम तकमील के बावजूद इम्तिहानात मुनाकिद करने का लगाया इल्ज़ाम। ये थी BBN टॉप 10 न्यूज़ में 10 अहम खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी TV पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तियाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुँचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक
बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।